चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। इस बार लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्रियों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को अलवर से कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। आज वो बीजेपी का दामन थामेंगे। रायसर के मुसाणे भैरव मंदिर में आज लखी मेले का आयोजन होगा। देर रात से मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी हो गया है। प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। कल अष्टमी को बांकी माता मंदिर में लखी मेला आयोजित होगा। सफाई कर्मचारियों का हड़ताल का आज 5वां दिन है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर के हालात बिगड़ रहे हैं। ना सड़कों पर झाड़ू निकल रही है, ना ही ऊपर पहुंच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सचिवालय में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में सहमति बन गई है, जिसके बाद आज सफाई कर्मी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। गंगापुर सिटी के बाशिंदों का 28 वर्ष का इंतजार आज खत्म होगा। बहुप्रतीक्षित दौसा गंगापुर सिटी यात्री रेल सेवा आज शुरू होगी। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जसकौर मीणा इसका शुभारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले क्रमिक विभाग ने 2 RAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। ब्रिजमोहन बैरवा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा और नरेश बुनकर ADM राजसमंद के तबादले हुए हैं। आज होने वाले RAS एसोसिएशन के चुनाव स्थगित हो गए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और RAS अफसरों की मांग के चलते स्थगित किया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिलेगा। जल योजना का अध्ययन करने आज जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग के 13 अफसर डेनमार्क जाएंगे।